घर नहीं है आपके पास अपना? घर नहीं है, घर होता तो पन्नियों में क्यों रहते? तो घर क्यों नहीं बनाया? पैसा ही नहीं है, रांड बेवा है, लड़की जमान जमान है। सरकार नहीं दे रही, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हम सबको घर दे रहे हैं। हमें तो नहीं दिया, हमने इससे पहले भी भरवाया था मायावती वाला, पर भी सुनवाई नहीं हुई। नहीं हम पे राशन कार्ड है, राशन कार्ड वाले 1,000 रुपये मांगते हैं। घर नहीं है हमारे पास, घर नहीं है, फिर भी अपने उसमें रहते हैं। ये झंडा क्यों लगाया आप? झंडा इसलिए लगा दिया कि अपने उस में, हाँ देश प्रेम में। घर आपको आज तक नहीं मिला है? नहीं जी, हमें नहीं मिला। घर नहीं तो क्या हुआ, देश तो हमारा है, तिरंगा तो हमारी पहचान है ही। जी हाँ, ये बता रही हैं ये तस्वीरें 125 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर देने के दावे करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा फहराओ जैसा नारा तो दे दिया, लेकिन सवाल उठे कि जिनके पास घर ही नहीं है वो तिरंगा कहाँ फहराएं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं मिला इस सवाल का, क्योंकि मोदी सरकार तो पहले ही 130 करोड़ कुल आबादी वाले देश में 125 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर दे चुकी है। समझ लीजिए कि कुल 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश में 125 करोड़ पक्के घर सिर्फ गरीब परिवारों को दिए गए। समझना मुश्किल हो रहा है कि तस्वीरों में दिख रही ये झुग्गियां और इनमें जिंदगी गुजारने वाले परिवारों को किस ग्रुप का माने, गरीब परिवारों में या संपन्न परिवारों में। खैर फिलहाल बात है तिरंगे की, तो देख सकते हैं कि इनके न पेट में भरपूर रोटी है न तन पर कपड़े। अगर बात छत की करें तो इनकी छत ईश्वर का बनाया नीला आसमान है, मगर बात जब देश के तिरंगे की आई तो ये भूखे और खुले आसमान के नीचे जीने वाले भी पीछे नहीं रहे। छत ना सही, झुग्गी पर ही फहरा दिया तिरंगा। अरे मैडम, आप यहीं रहती हो इसी में? ये पन्नियों में ही? पन्नियों में रहते हैं। घर नहीं है आपके पास अपना? घर नहीं है, घर होता तो पन्नियों में क्यों रहते? तो घर क्यों नहीं बनाया? पैसा ही नहीं है, रांड बेवा है, लड़की जमान जमान है। सरकार नहीं दे रही, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हम सबको घर दे रहे हैं। हमें तो नहीं दिया, हमने इससे पहले भी भरवाया था मायावती वाला, पर भी सुनवाई नहीं हुई। नहीं हम पे राशन कार्ड है, राशन कार्ड वाले 1,000 रुपये मांगते हैं। हम तो मॉल का लाते हैं, मॉल का खाते हैं, हमारे बच्चे कचरा बीनते हैं। अच्छा, ये आप इसी पन्नी में रह रही हो और आज 15 अगस्त में आपने झंडा लगाया है? हाँ जी। तो झंडा क्यों लगाया था? प्रधानमंत्री ने तो ये कहा हर घर झंडा, आपके पास घर नहीं है? हमारे पास घर नहीं है, फिर भी अपने उसमें रहते हैं। ये झंडा क्यों लगाया आपने? झंडा इसलिए लगा दिया कि अपने उस क्या बोलते हैं, अरे झंडा तो सभी लगाते हैं। नहीं, जो गरीब उसमें सोच रहे थे, गरीब देश प्रेम में। हाँ देश प्रेम में। घर आपको आज तक नहीं मिला है? नहीं जी, हमें नहीं मिला। हमारे ससुर सास नंद नंदोई सब कुछ, हमारे आदमी भी इसी जगह पे ख़त्म हो गए, पन्नी में ही, झुग्गी में ही। हम रांड जमान हो गए, लड़की है यहाँ से ही शादी करी, दो लड़कियों की, एक लड़की जमान है रांडू में। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं, जिम्मा है। तो आपने फार्म डाला घर का? क्या डाला, क्या हुआ फार्म? कोई सुनवाई नहीं। वाला मिल गया, 25,000 रुपये जमा करो। अब वो कहाँ से जमा करते हैं, हम तो खुद ही नहीं तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं बिल्कुल घर। नहीं जी, हमें कोई सुनवाई नहीं हुई किस्तों वाला। हमने इससे पहले भी भरवाया था, तो कचहरी में भी भरवाया था, जब भी सुनवाई नहीं। फार्म अब भी रखा हुए और वहाँ पर भी जमा है। पैसे मांगे जा रहे हैं? पैसे मांगे जा रहे हैं 25,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, राशन कार्ड के? राशन कार्ड के बोल रहे कि पैसों से बनेगा, 1,000 रुपये। तो राशन भी नहीं मिल रहा आपको? ना, हमारे पास कुछ नहीं। वोट भी नहीं डालने जाती हो? नहीं, वोट जब राशन कार्ड ही नहीं है तो वोट कहाँ से डाले? हमें वोट में कोई वो ही नहीं है। बंद करो।